के लिए। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के कानपुर जा रहे हैं, जहां पर वो मेट्रो ट्रेन की सौगात देने के साथ साथ आईआईटी के 94वें दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री कानपुर मेट्रो को हरी झंडी दिखाने के बाद उसमें चलने वाले पहले यात्री भी बनेंगे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री रेलवे मैदान पर एक जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। जनसभा स्थल पर बारिश की संभावना के चलते वाटरप्रूफ पंडाल लगाया गया है। सभी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अफसरों और पुलिस के अलावा 10 कंपनी तैनात कर दी गई है। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को जनसभा स्थल तक पहुंचाने के लिए 2000 से अधिक बसें लगाई गई हैं। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी जब पहुंचेंगे तो जानकारी के मुताबिक यहां पर आईआईटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और इस जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए, इस पूरे शेड्यूल को ऐतिहासिक बनाने के लिए बकायदा बीजेपी ने पूरी चाल यहां पर फूकी है। हमारे साथ हर्ष पांडे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी साथ। हर्ष, सबसे पहले तो मिनट टू मिनट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेड्यूल है वह बता पाए, कब तक पहुंचेंगे कानपुर? और जिस तरह की जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर वासियों को मेट्रो की सौगात देने जा रहे हैं, इसके अलावा आईआईटी दीक्षांत समारोह का भी हिस्सा होंगे, क्या कुछ रहेगा इस दौरान? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर में लगभग 12,600 करोड़ रुपए की दो परियोजना, मेट्रो और बीपीसीएल की जो पाइपलाइन की परियोजना है उसकी सौगात कानपुर वासियों को देंगे। और प्रधानमंत्री लगभग 10:25 पर चकेरी एयरफोर्स पर पहुंचेंगे, जिसके बाद वो वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए लगभग 11 बजे आईआईटी पहुंचेंगे, जहां वो 54वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा ले और वो संबोधित भी करेंगे। वहां से निकलकर प्रधानमंत्री मोदी आईआईटी मेट्रो जाएंगे, जहां वो पहले तो मेट्रो पर मेट्रो का जो मॉडल है उसे देखेंगे, उसके बाद मेट्रो में बैठकर वो सफर करेंगे और चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तक जाएंगे, जहां एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा है। निकलकर लगभग 1 बजे वो निराला नगर मैदान में पहुंचेंगे, जहां वो आज जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद लगभग 3:20 वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में बैठेंगे, उसके बाद जो मेट्रो है उसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। बहुत दिन से लोग सपना देख रहे थे मेट्रो का, वो आज लोगों का पूरा हो जाएगा। आज के बाद कानपुरवासी जो है मेट्रो में सफर कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ पाइपलाइन की परियोजना है उसका पीएम मोदी करेंगे और ये बहुत ही उपयोगी जो है एक प्रोजेक्ट है। इसके बाद जो मध्य प्रदेश से जो पेट्रोल और डीजल यहाँ तक आता था वो अब टैंकरों के जरिए पाइपलाइन के थ्रू आएगा और लगभग 200 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अर्शिन तमाम जानकारियों के लिए।